दोस्तों, आपने ये गीत ज़रूर सुना होगा, जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे। इस गाने को आज से 72 साल पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले तानसेन और सुपरस्टार कहे जाने वाले केएल सहगल ने गाया था। कुंदनलाल सहगल का नाम हिंदी फिल्मों में एक बेमिसाल गायक के रूप में विख्यात है, लेकिन देवदास, जो कि 1936 में आई थी, जैसी चंद फिल्मों में उम्दा अभिनय के कारण उनके प्रशंसक उन्हें हिंदी सिने जगत का पहला सुपरस्टार मानते हैं। 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में जन्मे सहगल साहब ने अपने सिनेमा करियर में 185 गीत गाए और उनके गीत आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, तमिल और पर्शियन भाषाओं में भी गीत गाए हैं। सहगल जी के हर गाने में एक ना एक संदेश छिपा रहता था। उन्होंने एक बंगला बने न्यारा से रिश्तों का एक सूत्र में बांधा, तो वहीं हाय हाय ये जालिम जमाना से दुनिया को कड़वी सच्चाई से भी रूबरू कराया था। केएल सहगल ने गानों के अलावा एक्टिंग भी की थी। अपने 2 दशक के सिने करियर में सहगल जी ने 36 फिल्मों में अभिनय किया, लगभग 185 गीत गाए, जिनमें 142 फिल्मी और 40 गीत गैर फिल्मी भी थे। एक ज़माने में सहगल जी की आवाज़ में सुबह 7 बजे रेडियो पर गाना बजता था। उनकी आवाज़ लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। सहगल जी पहले गायक थे जिन्होंने गानों पर रॉयल्टी शुरू की थी। सहगल साहब को अगर संगीत का कुंदन कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। सहगल जी का गाना जब दिल ही टूट गया को लेकर एक किस्सा बहुत मशहूर है। सहगल साहब के बारे में कहा जाता है कि वह बिना पिए गाते नहीं थे, लेकिन फिल्म शाहजहां के लिए जब दिल ही टूट गया गाना था तब उन्होंने बिना पिए गाया। यही नहीं, ये गाना पहली बार में ही सबको पसंद भी आया था। केएल सहगल ने इस गाने के बाद कहा था कि मेरे जनाजे में जब दिल ही टूट गया गाना बजना चाहिए, और ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन केएल सहगल साहब के बारे में? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।